दोस्तों आप सबको याद होगा कि कुछ दिनों पहले हमने आप लोगों को एक न्यूज दिखाई थी जिसमें दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा इलाके में रहने वाले लोगों ने बताया था कि किस तरह सलीम अब्दुल वहाब खान नामक व्यक्ति ने इन लोगों के साथ गारमेंट के कारोबार के नाम पर ठगी की थी, जिसके बाद इन लोगों ने एडवोकेट के जरिए मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जेजेएमआर पुलिस स्टेशन और नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में इस ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन 10 से 12 दिन तक इन लोगों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तभी इन लोगों ने महाराष्ट्र नवनिर्माण बीएसटी कामगार और केवल सेना कि महाराष्ट्र सेक्रेटरी रुकेश गिरोला साहब के पास जाकर अपनी विपता सुनाई। रुकेश गिरोला साहब ने मामले को गंभीरता के साथ लेते हुए तुरंत इन लोगों को जेजेएमआर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई से मुलाकात कराई। जेजेएमआर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई ने पूरे मामले को सुना और समझा और इन लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस मामले की कार्रवाई करेंगे। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण बीएसटी कामगार और केवल सेना के महाराष्ट्र सेक्रेटरी रुकेश गिरोला साहब ने भी इन लोगों को आश्वासन दिया कि जब तक इन लोगों का पैसा इन्हें वापस नहीं मिलता तब तक ये इन लोगों के साथ ही खड़े रहेंगे। बड़े इलाके में ठगी का मामला हुआ, आपने देखा होगा, सुना होगा, खान के व्यक्ति ने हमारे साथ गारमेंट के बेस पे पैसा लिया, हमारा पैसा लेके वो फरार हो गया है। कंप्लेंट मुंबई कमिश्नर, क्राइम ब्रांच, एसीपी, डीसीपी, नागपाड़ा, जेजे पुलिस स्टेशन में अपने एडवोकेट के जरिए नोटिस दिए है। इनको देखे, हमको 10 से 12 दिन हो गया था, इसके ऊपर कोई हमारी कार्रवाई नहीं हुई थी, तो हमने मनसे के रुकेश गिरोला साहब से मुलाकात की, उन्होंने हमारी फरियाद सुनी और हमारे को जेजे पुलिस स्टेशन में सीनियर साहब से मिलाया, उनको भी हमने अपना पूरी बात बताई। जे सीनियर साहब को सीनियर साहब ने हमको आश्वासन दिया है, मैं इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करूंगा और रिक्वेस्ट गिरोला साहब ने भी हमको बोला है, मैं आने वाले जब तक आपका पैसा नहीं मिल जाता मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। नमस्ते, आज 2 दिन पहले फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट डाला था जो हमारे डंकन और डोटाकी के इधर रहने वाले जो हमारे भाई है उनके साथ में कुछ पैसों का घपला हुआ था। उसी सिलसिले में उनको मैंने उसी टाइम पे बोला था कि आप मेरे पास निवेदन लेके आए, हमारे राज साहब के पास निवेदन दिए आपने, तो मैं आपको पूरा सहकार्य करूँगा करके। तो उसी सिलसिले में आज मैं जे जे के जो पुलिस स्टेशन है उनके सीनियर साहब से मिला है। सीनियर साहब को मैंने मेरी तरफ से भी निवेदन दिया है कि इनका जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनका पैसा वापस करने के लिए आप कोशिश कीजिए। सीनियर साहब ने पॉजिटिवली, बहुत पॉजिटिवली रिप्लाई दिया और बोले कि नहीं, मैं उनकी तरफ से मैं जो भी है वो जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा करके। आगे चल के मैं इनका पूरा साथ दूंगा, जब तक इनका पैसा नहीं आता है जो भी इनका इनको जितना भी रिक्वायरमेंट रहेगा आधी रात को मैं इनके लिए खड़ा रहूंगा। दोस्तों अब देखना ये है कि क्या जेजेएमआर पुलिस स्टेशन इन लोगों की शिकायत पे कोई कार्रवाई करेगी, क्या जेजेएमआर पुलिस स्टेशन इन मजलूमों का इनका पैसा वापस दिलाएगी, क्या जेजेएमआर पुलिस स्टेशन इन आरोपियों को हिरासत में लेगी, क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के रुकेश गिरोला साहब इनको पैसा वापस दिलाने में कामयाब होंगे या फिर ये ठग इसी तरीके से खुलेआम घूमते रहेंगे और जनता को ठगते रहेंगे। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।